द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये एक संस्था है जो हिंदुस्तान के अंदर सीए देश को देती है। आप लोगों को जो सीए दिखाई देते हैं वो यही संस्था देती है, यही संस्था है जो सीए की परीक्षा कराती है और देश को सीए मिलते हैं। लेकिन इस वक्त पिछले 3 दिन से देश के अंदर ये जितने भी भावी सीए हैं जो बनने वाले हैं, इनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट अब छोटे शहरों में भी पहुंच चुका है। अजमेर से इस वक्त हम मौजूद हैं, इस संस्थान के जो यहाँ पर सिटी में जो ऑफिस बना हुआ है वहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो भावी सीए हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं, सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, संस्था को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आपके सिस्टम में खामियाँ हैं, वो सिस्टम की खामी ये भावी सीए आपको बता रहे हैं जिसमें सुधार आपको करना होगा। शुरुआत करता हूँ, आप मुझे बताइए कि आपके आखिर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर खामी क्या है, किस बात को लेकर आप लोग ये पूरा प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में चला रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पे है ना रीचेकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, रीचेकिंग हमारी ढंग से हो नहीं रही है और इसके साथ भी एमसीक्यूज करेक्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे गलत कर रहे हैं और बच्चे यहाँ पे फालतू ही फेल हो रहे हैं। तो इसी के लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जब तक हमारी रीचेकिंग ढंग से नहीं होगी तब तक हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। बच्चे फालतू फेल कैसे हो रहे हैं, इस बात को समझा पाएंगे थोड़ा सा? सर होता क्या है, एमसीक्यू में जैसे A4 एप्पल और B4 बॉल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो तक इनसे चेक नहीं होते हैं, जबकि आंसर जैसे ए है, बच्चे ने उसका ए लिखा है लेकिन उसको काट कर 0 नंबर दे दिया जाता है। ऐसे सर 10-10 12-12 नंबर एक ही क्वेश्चन में जब कम कर दिए जाते हैं वो बच्चा फेल होता है और सभी लोगों से उसको ताने सुनने पड़ते हैं। जब इंस्टीट्यूट के पास जाता है कि साहब मेरे को आपके सजेस्टेड आंसर के हिसाब से मेरे को सही मार्क्स मिले हैं, तो इंस्टीट्यूट उसकी कोई सुनवाई नहीं करता है। उसी को रीवैल्यूएशन के लिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल भी हुआ था आज भी हुआ है। जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम ऐसे ही इसको कंटिन्यू रखेंगे। पूरे देश के अंदर लगभग 200 ब्रांचेस सीए इंस्टीट्यूट की ब्रांचेस के अंदर ये प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे ही आगे चलता रहेगा जब तक कि ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। आज भी अजमेर ब्रांच के प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी साहब हमारे को मतलब सुनने तक को दूर, हमको देखने तक मदूर नहीं आए और यहाँ भी ब्रांच में कोई रेस्पॉन्स हमें नहीं मिला है। तो हम इंस्टीट्यूट से यही मांग करते हैं कि इस जो भी स्टूडेंट्स की हमारी जो भी दिक्कतें हैं वो प्लीज़ सुनिए और जल्द से जल्द इनका निदान करिए। अच्छा, जब मैं आप लोगों के पास में आया था तो एक बात हो रही थी कि जब कॉपी चेक होती है तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एक पेपर दिया तो मुझे टीचर जो चेक कर रहा है उसने 10 मार्क्स दे दिए, मेरे साथी को 20 दे दिए, किसी को 15 दे दिए, तो क्या ये अपनी मनमर्जी का ही चलता है सब कुछ? ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने मार्क्स किसको दिए हैं। इसी के खिलाफ हम आवाज़ उठाना चाहते हैं कि कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है मार्किंग का, स्टेप मार्किंग का। किसी सही आंसर को भी काट के गलत कर दिया गया है, कई जगह किसी को 2 मार्क्स दिए हैं, किसी को उसी में ही मार्क्स नहीं दिए हैं। इस तरीके की अमान्य चीजें हो रही है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। अच्छा, कॉपी चेकिंग के अंदर भी कुछ बात होती है कि कॉपी चेकिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती आप जी? कॉपी चेकिंग भी नहीं होती है किसी में, मतलब वो सही भी होता है और वो नंबर देना भी भूल जाते हैं। रिवैल्यूएशन के अंदर ऐसा होता है कि वो टोटलिंग करते हैं बट देखते भी नहीं कि अगर कोई क्वेश्चन अनचेक रह गया तो उसको भी मार्क्स दे दे, वो भी वो ड्रॉप कर देता है। देखिए ये एक कॉपी दिखा रहे हैं, कॉपी है सर यहाँ पर, मतलब जो एंट्री थी उसकी पहले कैलकुलेशन होती है देन एंट्री पास होती है। इसका अमाउंट 80,000 दूसरी 4 एंट्रियों का भी 160 160 और मेरा आंसर भी सेम है, इंस्टीट्यूट का आंसर भी सेम है। 12 नंबर का क्वेश्चन था और मुझे सर ये 0 0 टिकाया गया है। 12 नंबर क्या सर, एक नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के पास और फेल होने पर, या 12 12 नंबर की जब एक एक क्वेश्चन में धांधली हो रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी पूरी कॉपीज़ में क्या होती होगी। मैं जो और हमारे स्टूडेंट्स जो आज आ नहीं पाए मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि साहब आज ये हमारे साथ हुआ है, हो सकता है कि कल ये उनके साथ भी होगा, तो प्लीज़ आप लोग घर से अपने निकलिए और अजमेर ब्रांच में हमें ज्वाइन करिए। जो जहाँ दूसरी ब्रांचेज में है देश के अंदर वो भी अपनी अपने शहर की लोकल जो ब्रांचेज है वहाँ ज्वाइन करें और इंस्टीट्यूट से ये दरख्वास्त करें कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जा सके। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाइए, ये 12 और 0 कैसे आ गया? क्या इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि टीचर ने कॉपी चेक ना करी हो, किसी और ने कर दी हो? सर ये कैसे हुआ मतलब? जी ये काफ़ी लंबे समय से एक मांग रही है, पिछले अटैम्प्ट के अंदर भी हमने देखा था कि कई ऐसे वीडियोज़ वायरल हुए थे कि जो कॉपी थी वो बस के अंदर चेक हो रही है, वो ट्रेन के अंदर चेक हो रही है, किसी के ना आपके आर्टिकल चेक कर रहे हैं, जबकि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उस सीए की होती है, उसी को खुद को ये काम करना होता है। हमारी ये भी डिमांड है इंस्टीट्यूट की कि आप हर सिटी के अंदर एक डेडिकेटेड एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम लगाएं ताकि आपका प्रिंसिपल आपका सीए उस सेंटर पर आकर ही कॉपी चेक कर सके, अन्य जो भी दबाव होते हैं उसके मस्तिष्क पर उस समय न हो, वो बिल्कुल पारदर्शितापूर्ण तरीके से हमारी कॉपी चेक कर सके, बच्चे का जितने मार्क्स उसको मिलने चाहिए उतने मार्क्स उसको मिले, बस इतनी सिंपल सी हमारी डिमांड है।
एक चीज और बताइए, ये जो आप डिमांड कर रहे हैं ये केवल आपकी डिमांड सिर्फ इंस्टीट्यूट से है या इसमें आपकी कोई केंद्र सरकार से भी मांग है कि केंद्र सरकार भी इसमें? हम चाहेंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी, जैसे आपके कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी हुए, तो जितने लोग ये हमारे साथ मिलेंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे कल भी हमने देखा था कांग्रेस के अजय माकन साहब हुए, और भी आम आदमी पार्टी के पार्टियों का नाम लेना वैसे ठीक नहीं है, लेकिन अन्य कई लोग आज भी जैसे ट्विटर पर आप देखेंगे तो राहुल गांधी जी ने भी हमें सपोर्ट करा है, अन्य लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम आईसीआई के नेशनल प्रेसिडेंट साहब से केवल इतनी सी ही दरखास्त करेंगे कि हम स्टूडेंट्स की बहुत छोटी सी ही मांग है, प्लीज़ आप हमें कंसिडर करिए और जल्द से जल्द हमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करिए। हम स्टूडेंट से ही इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट से हम स्टूडेंट नहीं है सर। सभी जगह पर एक बात देखी जा रही है कि इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं संस्थान को चलाने वाले, वो यहाँ पर छात्रों का सामना नहीं कर रहे हैं, उनकी बात को सुन नहीं रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले में अब राजनीतिक पार्टियाँ भी आना शुरू हो गई, उन्होंने अपने स्टैंड को क्लियर करना शुरू कर दिया है, और साफ तौर से अब जितने भी भावी सीए हैं उनकी मांग है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में दखल दे और जिन छात्रों को राहत दे। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, एमटीटीवी इंडिया, अजमेर।